और पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान पहुंचे राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के प्रदर्शन के दौरान कोरोना वैक्सीन का ट्रक फंस गया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहां भारी जाम लग गया और इसी से वैक्सीन ले जा रहा ट्रक भी फंस गया। जाम की वजह से परेशान लोगों ने प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और इस दौरान लोगों और सिद्दीकुल्लाह चौधरी के बीच बहस भी हुई। विरोध से नाराज मंत्री खुद एक डंडा लेकर भीड़ में पहुंच गए और लोगों को वहां से हटाने लगे। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर प्रोटेस्ट में जो लोग मौजूद थे वहां पर उस बीच पहुंच गए थे राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो कि प्रदर्शन के दौरान कोरोना वैक्सीन का वहां ट्रक भी फंस गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरे देश में लोग एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सकें। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर फिर से इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 के इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और रुपेश हत्याकांड पर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। अब से थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर जांच के लिए पहुंचे पटना पुलिस के डीएसपी राजेश प्रभाकर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि ये क्या है और किस तरह इशारा कर रहे हैं इस बारे में उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, लेकिन हत्याकांड के कुछ ही घंटों के बाद पटना पुलिस ने सुराग मिलने का बड़ा दावा किया है। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कर रहे हैं काम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें हैं जो हम उस पर काम निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जाँच के लिए अभी पहुँचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है, तो उसी में हम लोग गहराई से सारी बिंदुओं पर देख रहे हैं। ठीक,